अब शाम हो चुका है और मैं निकल चुका हूँ वॉक पे। वॉक करते करते मैं आ चुका हूँ मार्केट पे, क्योंकि यहाँ पे भाई और दीदी मेरे वेट कर रहे हैं। और दीदी गई थी शायद पार्लर, तो अभी मैं यहीं पे आया हूँ। और ये रही दीदी। तो यहाँ से हम आ चुके हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए थोड़ा बहुत मॉल में, क्योंकि हमारा पहले से बिरयानी पार्टी का प्लानिंग है। तो हम बिरयानी के लिए कुछ सामान जो कि ज़रूरी है तो यहाँ से ख़रीदने के लिए आए हैं। और मैं ऐसे थोड़ा बहुत इधर उधर घूम रहा हूँ, हालांकि मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लेना है, बस जो भी लेगी दीदी लेगी। और मैं बस इसका चारों तरफ का नज़ारे का लुत्फ़ उठा रहा हूँ। और भाई एक ही जगह पे स्टैचू बन चुके हैं। और यहाँ के बाद हम लोग आ चुके हैं पानी पूरी खाने। पानी पूरी किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक्स्ट्रा पानी किसको पसंद है वो भी बताना। इन लोग के बाद मैं खाऊंगा अकेले, इसीलिए पहले इन दोनों को खाने के लिए दिया। उसके बाद हम थोड़ा सा भजिया वगैरह खरीदने के लिए यहाँ पे आए हैं। The next day. हाय, गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे। सुबह में उठने के बाद तुरंत बालकनी में आ चुका हूँ आज यूजुअल, और ये मेरा गंदा रूम को अभी चुटकियों में साफ कर लेंगे। और देखिए ये साफ हो चुका है। वैसे ही चलिए किचन को साफ करते हैं। हो गया। तो हाय, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है और मैं थोड़ी टाइम पहले उठा हूँ अभी, और मेरा जो सारे काम था वो भी लगभग ख़त्म हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा वॉक जाने के लिए, क्योंकि आज माहौल यानी कि मौसम थोड़ा सा ठंडा और अच्छा है, क्योंकि कल रात को बारिश हो गया था यहाँ पे। तो आज थोड़ा ठंडा ठंडा वेदर है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा वॉक पे जाके आऊँ। तो चलिए मिलते हैं वॉक पे। और ये देखिए आ चुका है, दूर से देख के भाग के आया। बहुत ही प्यारा है। मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ये आके मेरे साथ ऐसे ही खेलता है, और इसको देख के ना बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए मैं आज यहाँ से आपको सूरज देवता का दर्शन करवा रहा हूँ। बातों बातों में अभी मैं घर के तरफ वापस आ रहा हूँ। A few moments later. तो मैं अभी मॉर्निंग वॉक से आ चुका हूँ, हालांकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो मैं नीचे थोड़ा मतलब नेबर यानी कि पड़ोसी के साथ थोड़ा बातचीत किया, उसके बाद मैं ऊपर आया, और उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप हुआ और मैंने सेविंग किया। मैं एवरी ऑल्टरनेट 15 डेज में ये सेविंग करता हूँ, और उसके बाद मैं हाथों में पकड़ के यहाँ पे बैठा हूँ अपना डिटॉक्सिफाई ड्रिंक। इसको एक दिन भी नहीं पीता हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसका आदत मुझे पड़ चुका है। और मैं आप सबको भी इंसिस्ट करूँगा, कुछ ना कुछ सुबह आप गर्म पानी नींबू के साथ हो, कुछ भी हर्बल हो पीना चाहिए, क्योंकि थ्रू आउट द डे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सही रहता है। ऐसे भी वेट लॉस और आजकल जो सारे बीमारी वगैरह चालू है, तो कुछ ना कुछ आजे थेरापी मेडिसिन या ऐसे आपका बॉडी को प्योरली डिटॉक्सिफाई करने के लिए पीना चाहिए। तो यही है, मैं चलिए अभी अपना डिटॉक्सिफाई ड्रिंक्स को एंजॉय करता हूँ। तो मिलता हूँ आपको थोड़ी टाइम के बाद। तो बातों बातों में मैं आ चुका हूँ मासी के घर, और यहाँ पे देखा कि दीदी बिरयानी का प्रिपरेशन कर रही है। ये है फ्राइड ओनियन, बना चुकी है बेचारी। कल से बिरयानी का प्रिपरेशन शुरू कर चुकी है, बहुत ही मेहनत करती है। और मुझे कुछ रेसिपी शूट करना था, साउथ इंडियन समथिंग, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ करी पत्ता लेने के लिए। और मैं दिखा रहा हूँ आपको मासी का बगीचे का नज़ारा। तो यहाँ पे करी पत्ता का पेड़, और थोड़ा सा मैं करी पत्ता यहाँ से तोड़ के लूँगा अपने रेसिपी में यूज़ करने के लिए। और अभी मैं वापस आ रहा हूँ घर के तरफ।
और मैं घर पे आ चुका हूँ। A few moments later. तो यहाँ पे मेरा रेसिपी शूट करना शुरू हो चुका है। ये है बेसिक मेरा इंग्रेडिएंट्स जो मेरे रेसिपी में जाएगा। तो आज मैं चिवड़ा बना रहा हूँ जो दिवाली के में स्पेशल है। मोस्टली महाराष्ट्र में ये बहुत फेमस है, वही चिवड़ा ऑथेंटिक वाला, वही रेसिपी शूट कर रहा हूँ। और रेसिपी शूट करने के बाद सबसे कंटाल चीज़ है बर्तन। बहुत सारे बर्तन हो जाता है और गैस रेंज वगैरह मुझे साफ करना होता है, तो वही काम कर रहा हूँ। और ये काम खत्म। One hour later. तो मैं दोबारा दीदी का घर आया हूँ और देखा कि दीदी यहाँ पे चिकन भून रही है। जितना चिकन को आप भूनोगे उसका स्वाद और भी उभर के आएगा। A few moments later. तो अब नहाना वगैरह खत्म। तो वही मैं मॉर्निंग में नहाने के बाद जो मॉइस्चराइजर अपने स्किन में अप्लाई करता हूँ, तो वही थोड़ा बहुत लगाऊंगा। तो अभी ये करने के बाद मैं पूजा करूंगा भगवान जी का। और आज है हमारा बिरयानी पार्टी जो कि आपा बना रही है। और माँ कसम दीदी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो इसीलिए मैंने दीदी को रिक्वेस्ट किया था कि दीदी एक बार चिकन बिरयानी बना दो प्लीज़, मुझे बहुत मन है। तो आज दीदी ने चिकन बिरयानी बना रही है। जाऊँगा पूजा करने, तो मैं आपको डायरेक्ट मिलता हूँ बिरयानी पे। टन टना, अभी बिरयानी का ये रैप निकाला जा रहा है। ओहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और क्या मस्त खुशबू की क्या बताएं। रैप निकालने के बाद पूरा खुशबू से घर भर गया। और देखिए बिरयानी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अभी अभी हमारा सर्विंग का टाइम है, तो दीदी सबको अभी ये सर्व कर रही है। और देखिए बहुत टेम्पटिंग है। किस किस को ये बिरयानी देख के मुँह से पानी आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, सबको आएगा। और मैं यहाँ पे बिरयानी का लुत्फ़ उठा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया था। और खाने के टाइम में मैं किधर भी देखने का कोशिश भी नहीं किया, सिर्फ खाना और मैं, यानी कि बहुत ही अच्छा था। और देखो भाई चलिए अब हम लोग बिरयानी एंजॉय करते हैं। तो मिलता हूँ मैं आप सबको थोड़ी टाइम के बाद। अब हुआ हमारा खाना ख़त्म और पूरा पत्ते को चट गए हैं हम सारे। और खाना खाने के बाद मैं दोबारा अपने घर पे अभी आ चुका हूँ। 3 hours later. थोड़ी टाइम के बाद भाई और दीदी को कहीं तो जाना था, तो इसीलिए ये दोनों अभी निकल रहे हैं। कल गुरुवार है, इसके वजह से मैं अपना आंगन यानी कि पार्किंग को अभी पानी से धो रहा हूँ। ये मेरा यूजुअल एक्टिविटी है, हर बुधवार शाम को मैं ये काम करता हूँ। हफ्ते में मैं एक बार इसको पूरा धोता हूँ। धोने के तुरंत बाद मैं इसमें मॉप लगा देता हूँ, जैसे कि ये बहुत जल्दी सूख जाएगा, नहीं तो पानी थोड़ा थोड़ा रहता है तो मार्बल फ्लोर में पैर स्लिप होने का चांसेस है। और इसके बाद मैं तुरंत आ चुका हूँ अपने आंगन में, वैसे ही मैं पूरा आंगन को भी पानी में अच्छे से धो दूँगा। तो अब शाम हो चुका है और ये ब्लॉग कल शाम से चालू है। और आप थोड़ी टाइम पहले भी देखा मैं नीचे यानी कि मेरे पार्किंग अभी साफ कर रहा था, क्योंकि कल गुरुवार है और गुरुवार के दिन हम पूरा घर साफ करते हैं। तो मेरा स्पेस एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है, इसीलिए मैं दो पार्ट में करता हूँ। पार्किंग को एक दिन पहले ख़त्म कर लेता हूँ और ये जो घर है और मेरा सीढ़ी है ये मैं कल सुबह करूँगा, क्योंकि एक ही टाइम में करता हूँ तो थोड़ा हाथ दुखता है। तो यहाँ पे मैं आज के ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। होप यू ऑल एंजॉय योर डे और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।
बाय।